बाय बर्लिन टावर. अभी मैं जा रहा हूँ कॉफ़ी पीने, थोड़ा सा कॉफ़ी पीऊँगा एंड देन आई हॉप ऑन एंड गो टू बर्लिन टावर. Hey everyone, welcome back to the channel. My name is Sankalp and you're watching Chasing Whereabouts. So in the last part of the vlog, we explored East Side Gallery, Spree River and Alexanderplatz. So let's continue our journey together for Berlin in the next part of this video. फोर्थ स्टॉप फ्रॉम आर लिस्ट, अलेक्जेंडरप्लैट्ज़ से 100 मीटर की दूरी पे है बर्लिन टीवी टावर जो मेरे पीछे है और ये 360 मीटर टॉल है और 270 मीटर पे यहाँ पे व्यूइंग डेस्क है जिससे आप 360 डिग्री बर्लिन का व्यू देख सकते हो एंड और ये पर्टिकुलर टावर जो है बर्लिन के हर कोने से विजिबल है. देन उसके और ऊपर देर इज़ एन रेस्टोरेंट जो कि रोटेटिंग रेस्टोरेंट है, दो मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ द क्यू विच यू कैन सी रिलेटेड टू द टावर. बहुत लंबी क्यू है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है, एक दिन में से पूरा बर्लिन घूमना है बस, इसलिए मैं टावर पे तो नहीं जा रहा हूँ बट दैट्स अबाउट द टावर. आफ्टर द टीवी टावर थोड़ा सा 50 मीटर दूर आई टुक अ स्टॉप एट बबल बार कुछ नया ट्राई करने के लिए जो कि ये है बबल टी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की. सो क्या है, दूध मिला हुआ है और बबल से छोटे छोटे एंड उस लीची फ्लेवर के बबल है जो मुँह में जाके फट से फट जाते हैं. So I found a good space in Museum Island और ये जगह आप पीछे बहुत अच्छा सा व्यू है. मेरे राइट हैंड साइड में है बर्लिन टावर और मेरे सामने है बर्लिन डोम. मैं थोड़ा आराम करने के लिए यहाँ पर बैठ गया हूँ और बहुत मस्त हवा चल रही है यहाँ पर. नीचे बोट्स पास कर रही हैं जिसमें लोग अपना लंच वंच करते हैं. मैं थोड़ी देर बैठूँगा यहाँ पर एंड देन उसके बाद मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ बर्लिन का म्यूज़ियम आइलैंड. नेक्स्ट जो होगा वो होगा बर्लिन डोम जो मैं करने वाला हूँ. Welcome to Berliner Dom. Situated in the heart of Berlin, this cathedral is absolutely stunning. It's the city's most important Protestant church, which goes back to 15th century. And you can also enjoy the 360 degree panoramic view by climbing up the 270 steps. The admission costs you roughly around 7 euros. Finally, I got some company on the trip. मैं बैठा हूँ इस समय थ्री गर्ल्स एंड बॉयज स्टैचू के साथ जो कि प्लेस हुआ था राइट इन फ्रंट ऑफ द पैलेस होटल. ये स्टेयर करते रहते थे फाउंटेन को. लेटर डाउन द लाइन जो पैलेस होटल वो मूव हो गया था सेंटर ऑफ बर्लिन में एंड देन स्टैचू को वापस यहाँ पे प्लेस कर दिया गया. अभी ये स्टेयर करता है टू डोम. बर्लिन का म्यूज़ियम आइलैंड है. यहाँ पे 5 बड़े म्यूज़ियम्स हैं, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ म्यूज़ियम आइलैंड. एंड ये पूरा एरिया जो है वो म्यूज़ियम आइलैंड है.
तो नेक्स्ट मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ, मैं ये ब्रिज पकड़ूंगा और म्यूजियम आइलैंड पे जाऊंगा एंड देन वहाँ पे आई विल फाइंड समथिंग न्यू फॉर यू गाइस. सी यू इन अ व्हाइल. An island of peace and beauty in one of the busiest cities of Europe. I will suggest you to spend an afternoon here. Berlin Museum Pass costs you around 29 euro and it gives access to 30 museums in Berlin for free. I have dropped down more details about the pass in the description box below. So, ब्रिज से इस तरफ आके फाइनली मैं घूम चुका ये सारा म्यूजियम आइलैंड वाला पार्ट. अभी अब मेरे को लग रही भूख, अब मैं जा रहा हूँ कहीं पास का इधर मैकडोनल्ड्स और सबवे खोजने एंड वहाँ पे लंच करेंगे एंड उसके बाद आगे रिज्यूम करेंगे. सो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. वी विल कंटिन्यू एक्सप्लोरिंग बर्लिन इन नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द बर्लिन सीरीज. Make sure to subscribe to our channel to appreciate our efforts. Until then, see you next time. Bye.